वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के लिए दैनिक राशिफल आपके लिए लेकर आ रहा हूं और यह राशिफल है रविवार 19 मई 2024 का। सबसे पहले आज के पंचांग की बात करते हैं तो आज है एकादशी तिथि। दिन के 1:18 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा। नक्षत्र हस्त नक्षत्र रात के 3:03 पर रहने वाला है, उसके बाद चित्र नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज मोहिनी एकादशी का व्रत है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आज के राशिफल की शुरुआत करें इससे पहले आज की ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के आधार पर ही राशिफल की जानकारी मिलती है और राशिफल तैयार होता है। आज के ग्रह की स्थिति: शुक्र बुध मेष राशि में, सूर्य गुरु वृषभ में, चंद्रमा केतु कन्या में, शनि कुंभ में, मंगल राहु मीन में रहने वाले हैं। तो इन ग्रहों की स्थिति पर जानते हैं आज का राशिफल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अपने दिन की शुरुआत कसरत से करें, यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को जट से दबोच लें। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिसे अतीत में आपके मतभेद थे। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। क्या करें उपाय? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जेब में लाल रंग का रुमाल रखें। बात करते हैं वृषभ राशि की। सेहत पर गौर करने की जरूरत है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच ले, अगर मुमकिन हो तो इससे बचे, क्योंकि इन बातों के बाहर फैलने का खतरा है। किसी की दखल अंदाजी के चलते आपके और आपके प्रिय के रिश्ते में दूरियां आ सकती है। व्यवसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते या रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत आ सकती है। आज आप अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग नहीं हासिल होगा। क्या करें उपाय? पक्षियों को दाना डालें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकता है। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की सहनाई बच सकती है, समाचार मिलने के योग बन रहे हैं, जबकि दूसरी जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। आज कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा घर के किसी मसले को लेकर कम रहेगी। इस राशि के कारोबारियों को आज के दिन अपने साझेदारों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। क्या करें उपाय? नेत्रहीन, कोढ़े, अपंग को एक से अधिक रंग का कपड़ा दान करने से नौकरी व बिजनेस में फायदा मिलता है। अब जानते हैं कर्क राशि फल। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। विदेशों में पड़ी आपकी जमीन आज अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। आज आप जिस सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे वहां आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे। अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी मोहब्बत आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना भी है। अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर और उससे बेहतर बनने की कोशिश करें। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जीवन साथी के साथ यह एक बढ़िया दिन गुजरने वाला है। उपाय: केले की जड़ को अपने पास रखने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। अब जानते हैं सिंह राशि फल। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती है। मानसिक दबाव से बचने के लिए
कुछ रोचक और अच्छा पढ़े। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। अपने बर्ताव में उदार बने और परिवार के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारें। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है, इसे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। रत्नात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय है। वैवाहिक जीवन के उजले पहलू का अनुभव करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। क्या करें उपाय? आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। जानते हैं कन्या राशिफल। बाहर घूमना फिरना, पार्टी और मौज मस्ती आपको अच्छे मूड में रखेंगे। जिन लोगों की अब तक तनख्वाह नहीं आई है, आज वो पैसों के लिए बहुत परेशान रह सकते हैं और अपने किसी दोस्त से उधार मांग सकते हैं। एक दूसरे का नजरिया समझकर व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाए, इसे औरों के सामने न लाए, नहीं तो बदनामी हो सकती है। आप जहाँ है वही रहेंगे, बावजूद उसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। आने वाले समय में दफ्तर में आपका आज का काम कई तरीके से असर दिखाएगा। आज के दिन में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम के वक्त अपने मनपसंद कामों को करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। लगता है कि आपका जीवन साथी आज बहुत खुश है। आपको सिर्फ वैवाहिक जीवन से जुड़ी उसकी योजनाओं में मदद करने की जरूरत है। क्या करें उपाय? आर्थिक उन्नति के लिए भगवान शिव की आराधना करें। जानते हैं तुला राशि फल। खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। उससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। जो लोग अब तक पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें आज पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है और आज आपको समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की निजी समस्याओं में मदद करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे टल सकता है। आज आप व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुप्तगू कर सकते हैं। खर्चों को लेकर जीवन साथी से तनातनी संभव है। क्या करें उपाय? चांदी की चूड़िया या कड़ा धारण करने से प्रेम संबंधों में वृद्धि होती है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि फल। अपने मनमोजी और जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, खासतौर पर किसी जलसे या पार्टी में, क्योंकि ऐसा न करने पर वहां का माहौल तनावग्रस्त हो सकता है। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। जीवन साथी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को एक जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा इंसान बनाए जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनाता है। साथ ही इस राह में आने वाले गड्ढों और दिक्कतों से दिल छोटा न करें। अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी मोहब्बत आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। व्यापार के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा महसूस करवाएगा। क्या करें उपाय? मांस मदिरा का त्याग करने से हेल्थ अच्छी रहेगी और शुभत्व प्राप्त होगा। जानते हैं धनु राशि फल। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। खासतौर पर माइग्रेन के मरीजों को समय पर खाना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उन्हें व्यर्थ में भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ खरीदारी मजेदार रहेगी, इससे आप दोनों के बीच की समझ में इजाफा होगा। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है जो आपकी सफलता के अड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे कूद खिसकी है। अपने किसी मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचें, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। वैवाहिक जीवन के उजले पहलू का अनुभव करने के लिए आज का दिन अच्छा है। क्या करें उपाय? ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। जानते हैं मकर राशि फल। जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खुले। चिंता को छोड़ना इसके ओर पहला कदम है। जिन व्यापारियों के संबंध विदेशों से है, उन्हें आज धन हानि होने की संभावना है, इसलिए आज के दिन सोच समझ कर चले। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी आपके प्रिय से आपकी नोकझोंक हो सकती है। कामकाज में आपको काफी फायदा हो सकता है।
जीवन संगी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में अत्यधिक जाम की वजह से आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। क्या करें उपाय? लाल या भूरे रंग की गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाने से शुभत्व की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि फल। अपने ऊंचे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें। भागदौड़ भरे दिन के बावजूद आप फिर ऊर्जा और ताजगी पाने में कामयाब रहेंगे। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। परिवार में नए सदस्य के आने की खबर आपको रोमांचित कर देगी। समारोह आयोजित कर इस खुशी को सबके साथ बांटें। आपके जीवन साथी के साथ पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए आप वक्त का सदुपयोग करते हैं, लेकिन कई बार आपको जीवन को लचीला बनाने की जरूरत भी होती है और अपने घर परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह थोड़ा मुश्किल वक्त है। क्या करें उपाय? प्रेमी प्रेमिका से मिलते वक्त उन्हें पीले फूल जरूर दें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होगा। जानते हैं मीन राशि फल। विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली परख है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च न करें। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए दिखेंगे। आपका रोमांचित संबंध आज थोड़ी परेशानी में पड़ सकता है। व्यावसायिक मीटिंग के दौरान भावुक और बड़बोले न हो। अगर आप अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो आप आसानी से अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में गवा सकते हैं। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। क्या करें उपाय? अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर पर किसी भी तरह सोना या पीला धागा धारण करें। आप देख रहे थे आज का राशिफल। मित्रों, यदि राशिफल पसंद आए तो उसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले दिन का राशिफल देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।